हेलो, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ BHU वाले दी हिस्टोरिका पे। अभी मैं JNU में हूँ और आप हमारे टॉपर स्टॉक की लगातार वीडियो देखते होंगे कि सब लोग कैसे JNU आए हुए। तो अब यहाँ JNU में आने के बाद यहाँ जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो अभी हमें कुछ हिंदी की स्टूडेंट्स मिली है, तो उनसे जानते हैं कि अब उन लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, उन लोगों का मन लग रहा है कि नहीं यहाँ पढ़ने में, कि अपने अपने कॉलेज अपने अपने घर वापस जाना चाहती है। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं हिंदी से हूँ। आप? मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं हिंदी से फर्स्ट ईयर। सविता, काजल। मेरा नाम प्रीति है और मैं भी हिंदी से ही हूँ। मेरा नाम रूबी है और मैं भी हिंदी से ही हूँ। हाँ, सब लोग हिंदी के ही हैं। तो अब हिंदी के विषय में जान लेते हैं कि हिंदी के विषय का यहाँ क्या चल रहा है। सबसे पहली बात कि आप लोग कैसे तैयारी करके यहाँ पहुँचे हैं, वो उसके बारे में बता दीजिए। ओ क्या बोलते हैं, इंट्रेंस था तो उसके लिए वही बुक पढ़े, जैसे रामचंद्र शुक्ल का हो गया, और पहले से भी नोट्स कुछ बनाए थे, और TGT PGT वाला एक बुक था उससे मैं पढ़े थे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं मैं बिहार पश्चिमी चंपारण से, और कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ। तो ये BHU की ही है। तो अभी इनसे पूछ लेते हैं। मैं भी BHU से हूँ। अच्छा, आप BHU, आप कहाँ से? BHU में मेन कैंपस। अच्छा, आपको हिंदी ऑनर्स था जी। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद जब सबसे पहली बार यहाँ पर आए थे तो थोड़ा सा माहौल बिल्कुल BHU से यहाँ अलग है। आप जैसा कि देख ही सकते हैं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो BHU से काफ़ी अलग है। और लेकिन एक चीज़ यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको एकदम गांव जैसा फील होगा यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप दिल्ली दिल्ली सोच करके ऐसा लगता है कि बहुत अलग सा जगह में जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप यहाँ पे आएंगे तो एकदम आपका कल्चर यही लगेगा कि आप गांव में हैं। यहाँ पे लोग जैसे ठंड में आग जला करके एक साथ बैठना और फिर मतलब ढाबे पर चाय पीना, बिल्कुल गाँव वाला कल्चर है। और जहाँ तक रहा क्लास का ही बताना है। अभी आपसे जुड़ते हुए अभी आप बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं। मैं भी BHU से हूँ, मेन कैंपस। मेरा भी वहाँ पे हिंदी ऑनर्स ही रहा है। अच्छा, और आप? मैं सीतामढ़ी से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन SLK कॉलेज सीतामढ़ी से हुआ है, हिस्ट्री ऑनर्स। लगभग यहाँ ये तीन छात्र है जो है वो BHU से है, यानी कि BHU वाली टीम BHU वाले से मिलने आए हैं, लगभग ऐसा लग रहा है। आप लोगों की तैयारी के बारे में जान ले कि आप लोगों कितना मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था और मैंने 3 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी। और मैंने रामचंद्र शुक्ल का और सरस्वती पांडे का और विश्वनाथ त्रिपाठी का, इन तीनों बुक को पढ़ा। रिवाइज पे ज़्यादा फोकस था मेरा और ऐसे हो गया। मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, कि हिस्ट्री बैकग्राउंड से होते हुए भी हिंदी का एग्ज़ाम, और वो भी JNU जैसे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती है। आप बताइए। मेरा तो हिंदी ऑनर्स ही रहा है, तो क्लासेस में जो चलती थी उसके हिसाब से तो हम लोगों को पता था कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो उतना ज़्यादा हम लोगों को एक तरीके से आइडिया बन गया था। तो मैं बुक जो प्रीफर की थी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो बुक है ही, और विश्वनाथ त्रिपाठी का सरल और संक्षिप्त इतिहास का जो है वो, और सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जो कि एकदम बेसिक बुक मानी जाती है किसी भी एंट्रेंस हिंदी एंट्रेंस के लिए, तो एकदम बेसिक मानी जाती है, तो इसका मैं मतलब यूज की थी। और विकास देव कीर्ति सर का जो दृष्टि की बुक आती है उसे मैं प्रीफर की थी, और फिर जो अपने सिलेबस में हिंदी था तो उसमें तो पढ़ती रहती थी जिससे कि सारा बेसिक चीज़ें उसी से क्लियर थी, तो फिर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। मिला जुला के काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हाँ, मेहनत तो है। हाँ, बिना मेहनत का कुछ सब कोई सफलता नहीं मिलता। आप बताइए। मैं जैसे कि BHU से हूँ तो मेरा हिंदी बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने अपनी तैयारी के लिए विकास दिव्यकृति सर की दृष्टि और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, राम सुरेश चतुर्वेदी का हिंदी संवेदना और विकास, और आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह की बुक प्रेफर की थी पढ़ने के लिए। अभी जो जूनियर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जान लें कि कौन कौन सा बुक आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो सीनियर दीदी है आप लोगों को बता दी है। अभी आप पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को एक्साइटमेंट होगा कि अंदर JNU में क्या हाल है, JNU का माहौल कैसा है, कोई बताना चाहेगा? JNU का माहौल के जिस हिसाब से हम लोग दिल्ली सोचे थे, दिल्ली में जाएंगे एकदम सिटी रहेगा, वहाँ पे बहुत एकदम अलग ही कल्चर की तरह लग रहा था सोचने में, लेकिन यहाँ आने के बाद तो
पहली बार जब जेएनयू को देखा तो लग रहा था कहाँ आ गए हम लोग, ये कौन सा एरिया, ऐसा तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना जंगल जैसा होगा। फिर यहाँ पे धीरे धीरे रहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि हम अपने गांव से ही ऐसे जुड़े हुए हैं। और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे अगर आप किसी से जुड़ जाएंगे ना तो सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको, और यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी अलग जगह आए हुए हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है? हमको भी पूरा मतलब अपना जैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर रहकर ये नहीं महसूस होता कि हम दिल्ली सिटी में, ऐसा लगता है कि पूरा मतलब पहले तो आने पर ये लगेगा कि हाँ कहाँ आ गए, पूरे जंगल में फेंक दिया गया है। और अगर लोग जैसे जैसे मिलेंगे, बातें होगी तो अपना जगह रात को लगता है यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। रात को यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा कि एकदम डर जैसा है कि अभी हम लोग रूम पे नहीं जा रहे, इतने टाइम पे हम लोगों को रूम पे पहुँच जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे माहौल नहीं है। क्योंकि जैसे BHU में रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको 10 बजे तक रूम में आ जाना चाहिए, और या फिर BHU में आप रहेंगे तो एकदम खाली खाली सा लगने लगता है कि अब अंधेरा हो गया, या फिर अंधेरे का भी पता नहीं चलेगा कि अंधेरा हुआ या डर जैसा कुछ लगेगा। ऐसा JNU के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ लोग रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो अभी आपके बात से साबित भी हो रहा है। यहाँ रात कभी होती ही नहीं है, यहाँ रात कभी होती ही नहीं है। आप हमेशा देखेंगे कि चहल पहल है, लाइब्रेरी 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है, तो आप मतलब कभी भी लाइब्रेरी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं। और लोग मतलब अभी जैसे ठंड का माहौल चल रहा है तो ज़्यादातर लोग आपको आग जला करके ढाबे के पास मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा ये चीज़ यहाँ का। अच्छा, यहाँ बाबा का ढाबा भी है, गंगा का ढाबा ज़्यादा फेमस है यहाँ का, गंगा ढाबा। अच्छा, गंगा ढाबा। हाँ, तो आप लोग कितना एंजॉय कर रही हैं, आप बताइए कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों के साथ, और भी अच्छा लग रहा है। और क्या ही कहना कि मतलब इन्जॉयमेंट इतना कि कुछ का। हाँ, यहाँ पे जब हम लोग आए तो BHU से एक अलग कल्चर मिला था कि यहाँ पे एक दिन DJ नाइट हुआ था 24 को, उसे हम लोग बहुत इन्जॉय की, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वहाँ पे मतलब अपने JNU के जितने भी लोग हैं, अदर अदर कल्चर के लोग, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ से, मतलब सारे पूरे JNU के जितने लोग हैं जिनको जो वहाँ पे जाना चाहते हैं। और वो DJ नाइट लगभग मतलब 11:30 बजे तक का था, 7 बजे से 11:30 बजे तक, तो फिर हम लोग वहाँ पे बहुत इन्जॉय किए, बहुत अच्छा लगा वो। अभी अंदर आके आप लोगों को कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कितना प्रेशर है आप लोगों के अंदर, ये भी जानना चाहेंगे आप? आप बताइए। पढ़ाई तो बहुत अच्छा है, मतलब जिस हिसाब से यहाँ डिवाइड कर पढ़ाते हैं, जैसे 10 नंबर के लिए टेस्ट देना होता है, 20 नंबर के लिए टर्न पेपर होता है, और 20 नंबर के लिए सेमिनार होता है, और मतलब 100 में अगर 50 नंबर तो इस तरह से डिवाइड हो गया, और 50 नंबर का सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो जिस तरह से मतलब खुद को प्रस्तुत करना 10 नंबर के लिए, 20 नंबर के लिए, बहुत ज़्यादा ऐसे करके सोर्स लगा कर मतलब खोजना और रिसर्च करना होता है, वो हमको बहुत अच्छा लगा है अभी तक। जैसे हम लोग यहाँ की जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर जैसे JNU जाना ही जाता है रिसर्च बेसिस के लिए, तो जो यहाँ का पढ़ाई है वो बच्चे को शुरू से ही मतलब MA फर्स्ट ईयर से ही वो मतलब ट्रेन करता है आप अपने आप में मतलब रिसर्च का गुण अपने अंडर ले आ सके, इसके लिए उनका पढ़ाई का बेसिस ही रहता है। टीचर ऐसा लगता है कि वो मतलब आपको तैयार कर रहे हैं PhD के लिए। अभी मार्च में आप बताए कि सेमेस्टर एग्जाम है, तो उसको लेके कोई प्रेशर? हाँ, अभी पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा ही, और नंबर के भी मामले में थोड़ा रहेगा क्योंकि PhD में ही जाना है, तो उसमें नंबर का बहुत ज़्यादा मायने है, तो थोड़ा तो है कि कौन सी बुक प्रीफर करें। शुरू में समझ में नहीं आता, टीचर लोग इतने सारे बुक्स बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो थोड़ा तो रहता है पर उतना भी नहीं है। फिर भी ठीक है, कुछ सीनियर भैया लोग थोड़ा हम लोगों को बता के रिलैक्स किए रहते हैं कि इतना प्रेशर मत लो, ये मत करो, सही है। और यहाँ के जो प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं ना, एक नया दृष्टिकोण देते हैं पढ़ने के लिए कि आप इस दृष्टिकोण से पढ़िए, कुछ अपना चीज़ देखने का, एक आप अपना खुद का नज़रिया बनाइए, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है पढ़ाई में के मामले में। JNU के बच्चों से जान रहे हैं और यहाँ इन लोगों में कितना एक्साइटमेंट है, इन लोगों की बातों से पता चल रहा है। हम लोग सुनते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारा वो अफवाह रहते हैं कि JNU में ये हो रहा है वो हो रहा है, हमेशा धरना प्रदर्शन मारपीट, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को यहाँ अभी भेजे भी नहीं होंगे। लेकिन अभी आपको अंदर आके कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसा कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है और यहाँ के अंदर जैसे कि बोलते हैं ना रियलिटी वर्सेस रील, तो कुछ ऐसा? जी, अभी तक जहाँ तक हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं देखे जैसा सोशल मीडिया में JNU को प्रेजेंट किया जाता है, JNU बिल्कुल वैसा नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है? नहीं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी छोटी सी बात भी होती है तो JNU मतलब सोशल मीडिया पर उसको और ज़्यादा उछाला जाता है कि यहाँ पर ऐसा माहौल है, बहुत
ज़्यादा रहता है, लेकिन अंदर एकदम शांति। हम लोग जब से आए ऐसा कुछ भी नहीं देखे। जैसा कि मेरे यहाँ भी मेरा जब रिजल्ट आया था तो लोग कहते थे कि वहाँ पे बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। और मेरे भैया का सपोर्ट था इसलिए आप बोल सकते कि वो बच्चे मैं ही हूँ। बदमाश बच्चे में शामिल होगी। तो यहाँ ये धारणा गलत है, ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों से एक अरे यार मूवमेंट भी जान लेते हैं। जब हम लोग को परेशानी होती है तो हम लोग कहते हैं अरे यार, तो इन लोगों से भी जानते हैं। हम लोग जाते हैं मेस में और मतलब सब्जी वगैरह तो ईजिली मिल जाता है, लेकिन जब आप रोटी के लाइन में लगते हैं तब लाइन में लगे हुए फील होता है, अरे यार खाने के लिए भी इतनी लंबी लाइन। मतलब जहाँ तक लड़कों का सवाल है तो लोग तो पूरा मतलब इतना इतना रोटी लेंगे कि हम लोग देखकर हंसने लगते हैं कि कितना खाते हैं भाई लोग। और मतलब हम लोग का क्योंकि हम लोग दोनों मतलब मेस एक ही है, कंबाइंड है लड़कों का और लड़कियों का, तो दोनों साथ में पहले तो थाली लेकर पूरा ऐसे लाइन में लगा रहता है, उसी में पता नहीं कितने रील और वीडियो बन जाते हैं। और फिर उसके बाद जाओ तो लड़कियाँ सब तो दो दो रोटी ही खाएंगे, लेकिन लड़के सब जब आगे रहते हैं तो उठाते जाते पता ही नहीं चलता कि कितना खाते हैं भाई लोग। फिर हम लोग दो दो रोटी के लिए मतलब आधा घंटा 15 मिनट बस लाइन में ही लगना रह जाते हैं। और हाँ फिर लगता है अरे यार पूरा सब्जी यार ठंडा हो जाती है। जिस दिन ये रहेगा हलवा रहेगा गाजर का, तो उस दिन तो गाजर का हलवा रास्ते में ख़त्म हो जाएगा। कुछ मीठा रहेगा और चिकन रहेगा और ये सब क्या बोलते हैं चिकन फ्राई रहता है, तो उस दिन पूरा उस दिन तो और इतना भीड़ लग जाता है पता ही नहीं लगता कि कहाँ के पूरा चले आए इसी हॉस्टल में। अच्छा आप बता दीजिए आपका कोई अरे यार मोमेंट। मेरा अरे यार मोमेंट लाइब्रेरी में रहता है। जब लाइब्रेरी में सीट लेने जाओ ना तो कहीं मिलेगा ही नहीं। जैसे BHU में हम लोग जाते थे कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पे जाते कहीं जल्दी सीट ही नहीं मिलती, तब वहाँ पे आते हैं अरे यार कहाँ बैठ के पढ़े क्या हो, इस टाइम में आता है ज़्यादा अरे यार। आप बताइए यहाँ पे दिल्ली में जैसे इतना ठंड है तो हम लोग नहाने जाते हैं तो गर्म पानी की समस्या रहती है। वहाँ पे जब एक साथ सब सुबह में नहाने जाते हैं तो गर्म पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसमें लगता है अरे यार पानी नहीं है। अभी जो यहाँ पे BHU से आए हुए हैं उन लोगों से पूछते कि मतलब BHU या JNU क्या? नहीं दोनों 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 बहुत अच्छा है। मतलब BHU 3 साल पढ़े हैं, वहाँ का माहौल वहाँ की यादें आती है और यहाँ का माहौल ही एक अलग है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल निफिक्र जिए, मतलब बिल्कुल आज़ादी वाला, थोड़ा सा भी डर नहीं कि 2 बजे हम लोग रात कर जाएंगे लाइब्रेरी से आएंगे, अकेले कहीं भी घूम सकते हैं पूरा कैंपस। दिल्ली शहर सेफ नहीं है लेकिन JNU पूरा सेफ है। दो खास बातें BHU और JNU के लिए बताइए। मेरे लिए BHU या JNU में से चूज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि जो भी है मुझे घर से बाहर निकलने का जितना भी आधार बनाया पूरा BHU बनाया हुआ है। एक जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बाहर है कि लोगों से किस तरीके से बातें करनी है क्या करनी है, ये मेरा पूरा BHU डेवलप किया, वहाँ से मुझे तैयार करके BHU में JNU भेजा है। तो मेरे लिए तो BHU और JNU दोनों ही बेस्ट है, मैं इसके बारे में उसको अलग अलग तो कुछ नहीं कह सकती। आप बताइए। मेरे लिए क्वेश्चन ही बहुत बड़ा असमंजस का काम कर रहा है कि BHU या JNU, लेकिन आफ्टर ऑल BHU लव है हमारा। जैसे कि अभी हम लोग सुन रहे थे इन लोगों को और हमें बहुत अच्छा भी लगा इन लोगों से बात करके। इन लोगों ने यहाँ के माहौल, इन लोगों ने अपने पढ़ाई के बारे में बताया। क्या आप बताइए। एक चीज़ और है कि JNU आना जुनून हो सकता है लेकिन सुकून BHU है। बहुत ही दिल छू जाने वाली बात। अभी हम बहुत सारे बच्चों से मिलने वाले यहाँ जो पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल BHU वाले दी हिस्टोरिका पे। और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मतलब आप लोग बता दीजिए, इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इससे आप जुड़े रहें, आपको हमेशा नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी इस चैनल से। और कमेंट करें। हाँ कमेंट जरूर करें।